नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुशांत सिंह राजपूत फिलहाल इस देश के लिए सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट। एक हीरो की खुदकुशी फिलहाल राजनीतिक विषय बनती जा रही। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में खुदकुशी की थी। मुंबई पुलिस ने खुदकुशी ही इसे माना, लेकिन 1700 किलोमीटर दूर जब सुशांत के पिता ने केस दर्ज किया तो गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ पूरा मसला बनता दिखा। धीरे धीरे मौत की जांच अब आगे बढ़ती जा रही और सीबीआई इसकी जांच कर रही, और साथ ही साथ सुशांत की मौत पर राजनीतिक द्वंद्वता भी बढ़ रही है। यह ऐसे ही है जैसे महाराष्ट्र में एक समय में बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि बिहारी महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ उग्र होते जा रहे हैं, खास करके राजनीतिक दल जो सत्ता में है। और सुशांत अब बॉलीवुड के हीरो से ज्यादा राजनीतिक हीरो भी बनते जा रहे हैं। तभी तो दो सरकारें, दो राज्य पुलिस, कई नेता आमने सामने हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि एक हीरो की खुदकुशी राजनीतिक दलों के लिए एक मौका मात्र है? दरअसल यह ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे कई वजह है। सबसे पहले जब पटना पुलिस जांच के लिए पहुंची तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया, लिहाजा शक बढ़ता चला गया कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस सुशांत केस में क्या छिपा रही है, क्या इसके पीछे उद्धव सरकार का प्रेशर है। दूसरी बड़ी वजह, बिहार से आते थे सुशांत सिंह राजपूत और बिहार में इस साल चुनाव भी। ऐसे में बिहार की राजनीतिक पार्टियां किसी तरह की गलती इस मुद्दे पर तो नहीं करना चाहती। हर हाल में सुशांत को न्याय दिलाने के नाम पर इमोशनल कार्ड प्ले कर लोगों की सहानुभूति जुटाना चाहते। तीसरी बड़ी वजह, सुशांत सिंह राजपूत बिहार चुनाव के लिए वोट बैंक भी है। बिहार में राजपूत वोट बैंक लगभग 4% है। 2015 के विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे पर नजर डालें तो बीजेपी ने ऊंची जाति के 65 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 30 राजपूत थे। वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने ऊंची जाति के जिन 39 उम्मीदवारों को टिकट दिए थे उनमें से 12 राजपूत थे। ऐसे में इस वोट बैंक को भी साधना जरूरी है हर राजनीतिक दलों के लिए। चौथी बड़ी वजह, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है जो सीबीआई जांच के खिलाफ है। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें जेडीयू के साथ बीजेपी है और बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष में है। ऐसे में महाराष्ट्र में सुशांत के मसले पर उद्धव की सरकार को घेर बिहार में बीजेपी और जदयू को फायदा मिल सकता है। पांचवी बड़ी वजह, नेताओं का इस विवाद में कूदना। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राजनीतिक दल के नेता पहले दिन से ही बयान देते रहे। बिहार के नेताओं से लेकर महाराष्ट्र, बंगाल तक के नेता सवाल उठाते रहे और सुशांत सिंह राजपूत कब सिनेमाई हीरो से राजनीतिक हीरो हो गए पता ही नहीं चला। ये मेरी जानकारी है और ये सच है। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक है, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर। बिहार से भी सुशांत के लिए लगातार नीतीश कुमार ही आवाज उठाते रहे, और तो और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस जंग को लेकर मुंबई पुलिस की पूरी कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिया था। आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किए हुए हैं, अनप्रोफेशनल तरीका है ये। उसके बाद पटना के आईजी ने वहां के अधिकारी से बात की, जब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, अब आप क्या कहना है? फिर भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि शाम तक या रात तक उसको छोड़ देंगे, लेकिन रात में करीब 11 बजे के आसपास मैंने जब बात किया अपने पदाधिकारी से तो उसने बताया कि उन्हें अभी मुक्त नहीं किया गया है और उसी तरह घर में जैसे थे उसी तरह गेस्ट हाउस में है। वो डर से बाहर टहलने भी नहीं निकल रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा न दर्ज कर लें। तो सर, वो जो बाकी 4 लोग हैं, अगर क्वारंटाइन का नियम उनका सही है तो उन बाकी 4 लोग को भी तो करना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे हम उनको। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोर्ट जाएंगे बिहार सरकार। हम लोग तय देख रहे हैं, तय कर रहे हैं, राय ले रहे हैं।
मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के हाथों से यह केस निकलकर अब सीबीआई के पास। ऐसे में अब बिहार के राजनीतिक दलों बनाम महाराष्ट्र सरकार हो गया है, क्योंकि बार बार शिवसेना की तरफ से सुशांत मामले को लेकर बयान दिया जा रहा है और यह बयान एक तरफा है, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इस केस को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि संजय राउत के कुछ बयान तो तथ्यहीन हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सीबीआई जांच कर रही है तो पार्टी के प्रवक्ता बयान दे ही क्यों रहे हैं? क्या उन्हें बयानों से बचना नहीं चाहिए? इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी फरीदाबाद में सुशांत के बहन और पिता से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार के लिए सुशांत इसलिए भी खास हैं क्योंकि कोरोना काल में बिहार चुनाव से पहले एक ऐसा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोई एक दल नहीं बल्कि अधिकांश दल दिलचस्पी लेते दिख रहे हैं। यह है सोशल मीडिया, सुशांत और यूथ का SMSY समीकरण। चुनाव में वक्त कम है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों और नेताओं की निर्भरता बहुत हद तक सोशल मीडिया पर बढ़ गई। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव युवा ही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में युवा वोटर निर्णायक भूमिका अदा करने वाले। बिहार में अगर वोटरों की कुल संख्या की बात करें तो यह संख्या 7,18,00,000 के आसपास है, जिसमें से 20 से 39 वर्ष के वोटरों की संख्या को देखा जाए तो यह तकरीबन 3,59,00,000 के आसपास है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आयु वर्ग के वोटर निर्णायक भूमिका में। इतना ही नहीं, इस आयु वर्ग वाले सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल सुशांत के मुद्दे पर उनके साथ खड़े दिखना चाहते हैं। पहले भले ही यह मुद्दा राजनीतिक ना रहा हो, लेकिन धीरे धीरे मुद्दा राजनीतिक हो गया। सवाल लेकिन अभी भी यही है कि राजनीतिक द्वंद में क्या सुशांत को न्याय मिल पाएगा या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए एक हीरो की आत्महत्या को भी भुना लेंगे। जो लोग हमारे पुलिस की एफिशिएंसी ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो मुंबई पुलिस का इतिहास नहीं जानते। मुंबई की पुलिस ब्रिटिशों के ज़माने से बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल, किसी को नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा, चाहे बम ब्लास्ट हो, उससे पहले वाले केस हो, किसी को नहीं, जिसका भी नाम आया है, जो पूरा एविडेंस है, आप वो दबोच लेंगे, कोई भी हो। तो ये इस प्रकार का बयान देना मुंबई पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही डिफेमेटरी है। लेकिन सीबीआई ने FIR भी दर्ज कर ली है। देखिए, सीबीआई ने FIR दर्ज की तो अब उनकी मजबूरी है। सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र सरकार की अपनी मजबूरी होती है ऐसे मामले में। बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी, बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। हमारे आंगन में, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा ही है ना। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला मुंबई में चल रहा है, FIR मुंबई में दर्ज हुई है, जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जांच अब तक ख़त्म नहीं हो रही है, और अब अचानक बिहार में FIR करते हो, क्या ज़रूरत क्या है? विश्वास रखो पुलिस के ऊपर। पुलिस पुलिस होती है, चाहे बिहार की हो, चाहे मुंबई की हो, या चाहे और किसी राज्य की हो। और हर पुलिस का अपने स्टेट में एक रुतबा होता है, एक स्वाभिमान होता है। आप उसमें अगर टांग अड़ाएंगे तो ज़रूर बात बिगड़ जाती है।